हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का आज के इस ब्लॉग में। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला जहाज का मेला, जिसका नाम है लोगोज होप। जी हाँ दोस्तों, ये कई देशों का सफ़र करने के बाद जो है बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट पे आ चुका है, और यहाँ पे जो है आपको 5000 टाइटल्स बुक जो है यहाँ पे मिलेगी। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 18 जून जो है लास्ट डेट है। तो मैंने सोचा कि आज जो है वहाँ पे हम चलते हैं और आपको जो है लोगोज होप फ्लोटिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग शिप जो बुक फेयर लगा हुआ है उसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं खलीफा बिन सलमान पोर्ट का जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर। अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम 1000-1500 लोग होंगे। तो दोस्तों, फाइनली वेट करने के बाद हमारा नंबर आया और हम लोग बस से जो है पहुँच चुके हैं खलीफा बिन सलमान पोर्ट, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ पे जहाज़ें रुकी होती हैं। हम लोग बस से अभी चल रहे हैं नीचे। धन्यवाद। ये शिप है लोगोज होप का, जहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ है। ये बस जो है ड्रॉप करी सबको, ये जो है एंट्री है, यहाँ से जाना है अंदर। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए सब लाइन लगा हुआ है, यहाँ पे टिकट लेना हम लोगों को, जाने का रास्ता है। दोस्तों, हम लोग शिप में एंटर कर चुके हैं। क्राउडेड, पीपल आर वेटिंग देयर। दोस्तों, हम लोग शिप के अंदर आ चुके हैं, अभी सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो कैसे रहने का केबिन होता है क्रू का, वहाँ पे दिखाया गया है। अभी सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बताया जाएगा शिप के बारे में। यहाँ पे देखिए एक डेमो दिया गया है कि जो रडार होता है और उसके इंजन के पार्ट होते हैं वो सब कैसे होते हैं। देखिए रडार जो है यहाँ पे ट्रैक कर रहा है और हैंडल दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सब जो पिक्चर्स हैं, तस्वीर लगी हुई है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए घंटा भी लगाया, लोग घंटी बजा रहे हैं। लोगों को आज है सब, मैं भी घंटी बजा लेता हूँ। क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमें जो है यू टर्न लेके वापस जाना है, फिर उसके बाद एंट्री है। जहाज के बारे में बताया गया है, सब जो है यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है उनकी। हम फाइनली अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए सब लोगों को बैठाया जा रहा है। यहाँ पे जो है बताया जाएगा कि इसके बारे में क्या, किस तरह का प्रदर्शन है। देखिए मैं ब्रीफ किया जा रहा है। आई कम फ्रॉम नॉट कटिवरा, आई कम फ्रॉम फ्रांस। ओके, यू नो टीजे ड्रॉप माय स्वाइन। ओके, सो क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ आवर सिस्टम वर्क्स। यू नो वी आर सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी हैव अ प्राइस सिस्टम। वन यूनिट इक्वल वन बीडी। ओके, इट्स वेरी सिंपल हियर। You have information shot all over the place. Okay, we are here in the lifeboat 7. We have one system, one way system. You cannot go back, but one way. Any information, any questions, you can go to the information desk where you can, they can give you all information you need. The cash desk is here. And after the cash desk, you have a place where you can buy this bag. It's a souvenir bag. It's about 5 mini, but you can fill it with two big books for free. Okay? After you have toilets here as well. Just behind us over there. Journey of Life, it's a story you can share with your children. Il est français, moi je suis finlandaise. Ah, wonderful. Okay, bienvenue.
तो हम लोग शिप के अंदर भी आ गए हैं, हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था शिप के बारे में हो गया, अभी हम लोग अंदर चले। देखिए फुटवेयर जो यहाँ पे लगा हुआ सब, वाह लवली प्लेंटी ऑफ बुक्स। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है ये प्राइस लिस्ट है, इसमें यहाँ पे ऐसे पता लगा कि जैसे जिस पे 100 यूनिट्स लिखा हुआ है उसका दाम 1 BD है, जिस पे 200 लिखा हुआ है उसका दाम 2 BD है। तो इस तरह की प्राइस लिस्ट लगा के रखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लोगों का जो टी शर्ट है वो भी यहाँ पे दिख रहा है अभी। तो हम लोग बुक फेयर से अभी आगे निकल आए हैं। देखिए यहाँ पे एग्जिट एरिया में है, यहाँ भी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं सब। वाह कितनी सारी किताबें हैं यहाँ पे, हर तरह की किताबें हैं। जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पे 5000 तरह की किस्म किताबें मिलेंगी, तो बिल्कुल है ऐसा यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं, हम निकल रहे हैं कैफ़े की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं, क्या हो रहा है देखते हैं अभी। यहाँ पे आई थिंक कुछ गेम हो रहा है। अरे देखिए यहाँ पे लोग गेम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब नीचे से निकाल के ऊपर तक इसको लेके जाना है कि कहाँ तक जा सकता है। तो पीपल्स आर एंजॉयिंग हियर, हमने भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए एक सैंपल दिया हुआ है, क्या चीज़ है ये जनरेटर फ्रॉम द लोगोज होप इंजन रूम। ये इंजन रूम में जो जनरेटर लगा हुआ है ना, ये उसका एक पिक्चर यहाँ पे जो है बना के ऐसा दिखाया हुआ है कि ऐसा जनरेटर है लोगोज होप इंजन का। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा इसका एरिया है। ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग जो है पानी के जहाज़ पे जो है घूमने आए हैं, ऐसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा हॉल हो। What is to see? This one is cultural event. Okay. So you can see the 4 different culture sections. So Asia and Africa and Europe and America. Okay. तो दोस्तों हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे जो है कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें नीचे जाना है बेसमेंट में। सब लोग देखिए वापस आ रहे हैं, देखते हैं तो चलते देखते हैं क्या है नीचे। वाह सो दोस्तों मैं तो सोचा कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही क्राउड है। यहाँ पे देखिए हर कल्चर के जो है यहाँ पे ड्रेस है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है और दिखाते हैं आपको। Here I come, you boys are ready. Here I come, here I come.
खाने के लिए दिया जा रहा है। देखिए ऐसा कुछ है, बड़ा अच्छा है। तो दोस्तों हम लोग नीचे से ऊपर आ गए हैं अभी। यहाँ पे देखिए स्क्रीन लगा हुआ है कल्चर फेयर का, जो टाइमिंग दे रहा है किस टाइम को कितने बजे होता है, और इनका कुछ एडवर्टाइजमेंट है, इनको फॉलो करना है फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो इनका जो है एड्रेस लिखा हुआ है। और देखिए ये इनका बोर्ड है, वेलकम ऑन बोर्ड लोगोज ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग बुक फेयर। यहाँ पे चलिए अभी चलते हैं। देखिए इनका रिसेप्शन काउंटर है, कुछ अगर इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो फिर यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग वहाँ से एंट्री किए थे, उसके बाद घूमते घूमते हम लोग यहाँ इस कोने में आए हैं जहाज़ के, इस कोने से इस कोने तक। तो अभी हम लोग बाहर एग्जिट गेट पे आ चुके हैं। देखिए वहाँ भी एक शिप खड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा शिप है, जूम कर लेता हूँ। ये भी एक शिप है जिसमें हम लोग गए थे, वो ये शिप है। हम लोगों ने जो है लोगोज होप का जो है टूर करके बाहर आ गए हैं। सो अभी हम चलते हैं बाहर, जहाँ पे बस हमें ड्रॉप करी थी वहाँ पर जाना पड़ेगा बस लेके, फिर वापस जो है हम चलते हैं वापस मनामा। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं अभी इमिग्रेशन गेट के पास। देखिए हम लोग वहाँ पे थे, वो जो बगल वाली शिप है उसका पिक्चर है और लोगों से उधर है। तो ये सामने जो है दोस्तों ये इमिग्रेशन गेट है, और देखिए यहाँ पे बहरीन का झंडा जो है लहरा रहा है। तो हम लोग इमिग्रेशन गेट के अंदर जाएंगे, और इमिग्रेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर बस में जाके वापस जहाँ से स्टार्ट किए थे तो वहीं पर पहुँच जाएँगे। से बाहर आ चुके हैं, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था देखिए हम लोग यहीं पे लाइन में खड़े थे जब हम लोग आए थे, तो कितनी भीड़ थी, अभी कितना खाली हो गया है। सो बस दोस्तों हमारी आ चुकी है यहाँ पे, जो है बस 22 नंबर चल रही है स्पेशली। तो बस लेके मनामा वापस चल रहे हैं अपने रूम पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।